हेलो स्मार्ट सहेली के प्रिय दर्शकों, मैं साक्षी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो खाइए टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स। अगर आप वेट लॉस डाइट फॉलो कर रहे हैं तो अपनी डाइट में ऐसे हेल्दी स्नैक्स शामिल करें जो वजन घटाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अपने स्मार्ट सहेली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहला है बॉइल स्वीट पोटैटो। वेट लॉस कर रहे हैं तो आप अपने डाइट में शकरकंद को शामिल करें। इसमें बीटा कैरोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है और इसे उबालकर खाने से अधिक समय तक भूख नहीं लगती है। हम बात करते हैं दूसरे स्नैक यानी स्प्राउट या वेजिटेबल सलाद। पौष्टिकता से भरपूर इस सलाद में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और खाने पर संतुष्टि भी मिलती है। बात करते हैं अपने तीसरे स्नैक्स यानी मिक्स नट। समान मात्रा में काजू, बादाम, अखरोट, अंजीर, मुनक्का खाने से भूख की क्रेविंग शांत होती है और जल्दी भूख भी नहीं लगती है। वजन घटाने के दौरान मिक्स नट शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। हम बात करते हैं चौथे स्नैक्स यानी अंडे का सफ़ेद वाला भाग। अंडे की सफ़ेदी में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है और वेट लॉस के दौरान 2-3 अंडे का सफ़ेद वाला भाग खाने से पेट काफ़ी समय तक भरा रहता है। इसे स्नैक्स के तौर पर किसी भी वक्त खाया जा सकता है। हम बात करते हैं अपने पांचवें स्नैक्स यानी दही। प्रोबायोटिक होने के कारण पेट संबंधित सभी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। कैल्शियम और प्रोटीन युक्त कम फैट वाला दही वजन कम करने में सहायक होता है, इसलिए डाइट में इस हेल्दी स्नैक को ज़रूर शामिल करें। अब बात करते हैं अपने छठे स्नैक्स यानी मिक्स सीड। मगज, काले और सफ़ेद तिल, अनफाइबर सीड, अलसी के बीज हेल्दी स्नैक्स हैं। इनमें फाइबर, विटामिन ई, फैटी एसिड, मैग्नीशियम और जिंक होते हैं जो भूख को शांत करते हैं। अब बात करते हैं अपने सातवें स्नैक्स यानी मखाना। खाने में स्वादिष्ट मखाने को वेट लॉस के लिए सबसे बेहतरीन स्नैक्स माना गया है। ग्लूटीन फ्री और कार्बोहाइड्रेट से युक्त मखाना पॉपकॉर्न जैसा क्रंची एहसास दिलाता है। अब बात करते हैं अपने आठवें स्नैक्स यानी भुना हुआ चना। प्रोटीन और फाइबर का प्रमुख स्रोत होने के साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, इसलिए इसे हेल्दी स्नैक्स के रूप में रख सकते हैं। वेट लॉस के लिए अब परफेक्ट ऑप्शन है। इसे न सिर्फ भूख मिलती है, खाने के बाद काफ़ी देर तक पेट भी भरा रहता है। हम बात करते हैं अपने लास्ट स्नैक्स यानी नौवे स्नैक्स के बारे में, जो कि है मूंगफली। स्नैक्स के तौर पर मूंगफली भी खा सकते हैं। इसमें पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम, आयरन और सेलेनियम काफ़ी मात्रा में होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पाना चाहते हैं परफेक्शन तो सब्सक्राइब करें स्मार्ट सहेली चैनल को।